Hello everyone, welcome back to my channel, and today we will study Hope's apparatus. So let's begin. So children, ये है setup anomalous behavior of water का Hope's apparatus. ठीक है, तो ये जो Hope's apparatus है इसमें क्या होता है, एक long cylinder होता है जिसमें हम water fill कर देंगे, ये पूरा water से fill है, और एक circular dish लगा देंगे यहाँ पे, और इस dish में हम क्या करेंगे, ice डाल देंगे बहुत सारी. और अब क्या होगा, हम यहाँ पे दो थर्मामीटर लगा देंगे ताकि हम मेजर कर सकें ये नीचे का जो वाटर है उसका. ये पूरा सिलेंडर वाटर से फिल है ना, ताकि हम मेजर कर सकें जो नीचे का सिलेंडर है उसका वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है, और जो ऊपर का वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है. ठीक है, अब यहाँ पे जब आइस मेल्ट होगी तो इसमें से आइस मेल्ट होकर वाटर बनेगी, इज़न्ट इट. तो वो वाटर कहाँ गिरेगा, उसको गिरने के लिए हम यहाँ पे एक बीकर लगा देंगे. तो ये हो गया सेटअप होप्स अपैरेटस का. अभी हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं. तो क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज़ दोनों का टेम्परेचर, ये T1 है और ये T2 है थर्मामीटर. तो T1 थर्मामीटर का टेम्परेचर स्टार्टिंग में सपोज़ 12 है और T2 का भी 12 है. अब यहाँ पे जो आइस है, ये आइस की वजह से क्या होगा, या इस अराउंड ये आइस को कांटेक्ट में जो वाटर है वो वाटर कूल हो जाएगा, और वो वाटर कूल होता है, जब भी कोई चीज़ कूल होती है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है. डेंसिटी इंक्रीज़ होती है मतलब वो चीज़ नीचे आएगी, नीचे गिरेगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो कूल होगा, उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी और वो आग जाएगा नीचे. अब जब ये ठंडा पानी नीचे आएगा, जब ये कूल वाटर नीचे आएगा, तो उसकी वजह से ये जो थर्मामीटर है इसका जो टेम्परेचर 12 है वो कम हो जाएगा. तो वो कम होकर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा. फिर वो और कम हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो ये वाटर, ये थर्मामीटर का भी टेम्परेचर कम होगा, लेकिन उतना कम नहीं होगा. ये जब तक 8 पर आएगा, ये सिर्फ 11 पर ही आएगा. क्यों, क्योंकि ऊपर वो जो वाटर ठंडा हो रहा है वो नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है. तो इसके लिए ऊपर के थर्मामीटर का टेम्परेचर कम नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, ये नीचे के इफेक्ट की वजह से थोड़ा कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, अभी ये कम होते होते ये यहाँ से वाटर कूल होगा, नीचे आएगा, वाटर कूल होगा, नीचे आएगा, ऐसे करते करते ये यहाँ का जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस. वो कूल होते होते उसका टेम्परेचर कम होते होते 4 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, 4 डिग्री तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है. ओके, अब जब जैसे ही ये वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे से अब जो वाटर कूल होगा, कूल होके वो नीचे नहीं आएगा. जो 4 डिग्री पे वाटर कूल होगा उसकी डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. डेंसिटी डिक्रीज़ होना मतलब वो चीज़ लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, और जो चीज़ हल्की होती है वो वाटर पे फ्लोट करती है. तो ये जो वाटर कूल होगा 4 डिग्री पे, ये नीचे नहीं आएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि वो हल्का हो गया है. ओके, तो ये ऊपर जाएगा, तो अब ये जो थर्मामीटर है इसका टेम्परेचर कम होगा. ओके, और इसका 4 डिग्री पर ही रहेगा, इट विल रिमेन ऑन 4 ओनली. अब इसका टेम्परेचर कम होके 11, 10, 8, 9 और कहाँ तक आ जाएगा, 4 तक आ जाएगा. 4 के बाद भी जो वाटर है वो ऊपर ही जाएगा, तो ये जो वाटर है ये यहाँ कितने तक कम हो जाएगा, इसका 0 डिग्री तक आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि वाटर सब कूल हो के ऊपर जा रहा है. अभी यहाँ पे 0 डिग्री पे तो आइस बन जाती है, तो यहाँ टॉप लेयर पे आइस बन जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे जब आइस बन गई है, फिर उसके नीचे की जो लेयर है वहाँ आइस बनेगी, फिर यहाँ आइस बन, ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे नीचे तक आइस बनेगी, और तब जाके ये T1 का जो टेम्परेचर है वो कम होके 0 डिग्री होगा. ठीक है, ये है सेटअप पूरा होप्स अपैरेटस का, और ये था एक्सपेरिमेंट. ओके, अगर अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे ले लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे ले लेंगे टेम्परेचर. अभी जब टेम्परेचर 12 डिग्री था दोनों थर्मामीटर का, तब क्या हुआ था, जो थर्मामीटर नीचे था T1 उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी कम हो रहा था, 11, 10, 9 है ना. तो ये जो ब्लू लाइन है ये T1 की टेम्परेचर की लाइन है, वो कम हो रहा था. लेकिन जो T2 था, जो रेड लाइन इसमें दिख रही है, वो कम नहीं हो रहा था, तो वो स्लो कम हो रहा था, इसके लिए उसकी जो लाइन है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है. ठीक है, फिर T1 जब 4 डिग्री पर आया था तब वो स्टॉप हो गया था, है ना. तो वो स्टॉप होके वहीं पे 4 डिग्री पर ही था, और उस जो T2 था, जो ऊपर वाला थर्मामीटर था, उसका टेम्परेचर क्या होने लगा था,
धीरे धीरे करते करते 4 पे आया और 4 पे आने के बाद 0 तक आ गया। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है 4 डिग्री, जहाँ पे ब्लू लाइन और ये रेड वाली लाइन, T1 थर्मामीटर की लाइन और T2 थर्मामीटर की लाइन जहाँ पे कनेक्ट हो रही है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट डेंसिटी पॉइंट। मतलब 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि आइस पहले ऊपर की लेयर में बनती है, उसके बाद वो नीचे की लेयर में बनती है। यही रीज़न है कि जो पोलार रीजन होते हैं वहाँ पे जो लेक्स होते हैं और उसमें जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, फिशेज एंड ऑल, वो ऊपर तो हमको आइस दिखती है लेकिन नीचे की लेयर में वाटर होता है जिसमें वो एनिमल सर्वाइव करते हैं। ऊपर से हमको आइस दिखती है लेकिन नीचे अंदर वाटर रहता है। ठीक।